हेलो एवरीवन, सो गाइस न्यूज़पेपर रीडिंग द हिंदू का ही है, 2 मई 2021। आज संडे है तो आज एडिटोरियल तो नहीं आया है, तो इसका फ्रंट पेज देखते हैं गाइस। चलिए हेडलाइन देखते हैं। मैंने लिखा है कि 12 मोर लाइव्स लॉस्ट इन दिल्ली ऑक्सीजन क्राइसिस, यानी कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन क्राइसिस है, ऑक्सीजन का जो संकट चल रहा है, उसमें 12 और भी लोग मारे गए। तो इस हेडलाइन में कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट तो था नहीं। यहाँ देखते हैं, सप्लाई वॉज डिसरप्टेड फॉर मोर देन एन आवर, यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा तक जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसमें विघ्न पड़ गया, डिसरप्ट हो गया एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल। ऐसा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ। डॉक्टर अमंग दोज हु डाइड, अच्छा अमंग दोज, उनमें से, अमंग दोज का मतलब उनमें से हु डाइड, जो मर गए डॉक्टर, यानी कि एक डॉक्टर भी था, जितने लोग मरे हैं, जैसे 12 लोग मरे उसमें एक डॉक्टर भी था। देखते हैं आगे। यह लिखा है कि 12 पेशेंट्स इंक्लूडिंग अ डॉक्टर डाइड विदाउट ऑक्सीजन एट अ हॉस्पिटल इन साउथ दिल्ली ऑन सैटरडे एज मल्टीपल हॉस्पिटल्स इन द नेशनल कैपिटल रेज्ड अलार्म बेल्स ओवर ड्विंडलिंग स्टॉक्स ऑफ द लाइफ सेविंग गैस। यहाँ पे फुल स्टॉप है, देखते हैं गैस। देखिए 12 पेशेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब चाहिए। अब इंक्लूडिंग वर्ब तो हो नहीं सकता है, तो वर्ब हमारा है यहाँ पर डाइड पे, तो हमारा ये रहा सब्जेक्ट, 12 पेशेंट्स सब्जेक्ट है, डाइड हमारा वर्ब है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट तो दिखी गया आपको कि 12 लोग मारे गए विदाउट ऑक्सीजन एट अ हॉस्पिटल, यानी कि बिना ऑक्सीजन के मारे गए, यानी कि ऑक्सीजन की कमी रही, ये हॉस्पिटल में हुआ। कहाँ है हॉस्पिटल? तो इन साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली में। कब हुआ? तो ऑन सैटरडे। छोटे छोटे प्रेपोजिशनल फ्रेजेज लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ इंक्लूडिंग का क्या मतलब है? इंक्लूडिंग दिखाता है कि ये जो आप दिखा रहे हैं, जैसे पेशेंट्स आप बता रहे हैं, तो इसमें और भी कौन कौन थे वो हाईलाइट करने के लिए हम इंक्लूडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉमा एक लगाना पड़ता है कि इंक्लूडिंग अ डॉक्टर, तो जो 12 लोग मारे गए उसमें एक डॉक्टर भी था। फिर यहाँ लिखा है कि एज, जैसा कि मल्टीपल हॉस्पिटल्स, बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं इन द नेशनल कैपिटल, यानी कि दिल्ली में, रेज्ड अलार्म बेल्स, उन्होंने रेज अलार्म का मतलब होता है कि सबको बता देना, शोर मचा देना, उन्होंने बता दिया, मतलब एक खतरे की घंटी बजा दी, ओवर ड्विंडलिंग स्टॉक्स ऑफ द लाइफ सेविंग गैस। ओवर मतलब पर, यानी किस मुद्दे पर उन्होंने अलार्म को रेज किया, तो ड्विंडलिंग स्टॉक्स, स्टॉक्स जो है वो ड्विंडल हो रहा है, ड्विंडल का मतलब कम हो रहा है। किस चीज़ का स्टॉक है? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है ऑफ द लाइफ सेविंग गैस, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसका जो स्टॉक है वो स्टॉक ड्विंडल हो रहा है, कम हो रहा है। तो उस चीज़ पर, ओवर लगा है ना, तो उस ड्विंडलिंग पर जो जितने भी मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं नेशनल कैपिटल में, उन्होंने शोर मचा दिया, सबको बता दिया कि भैया ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हो रही है, मतलब ऑक्सीजन का जो स्टॉक है वो कम हो रहा है, इसलिए पेशेंट्स मर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, यहाँ से यहाँ तक यही है। अगर आप कोई बिगनर हैं तो इंक्लूडिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा देता हूँ इंक्लूडिंग का इस्तेमाल होता क्या है। अगर मैं कहता हूँ कि 10 पीपल हैव बीन किडनैप्ड, 10 लोगों को किडनैप किया गया है, ठीक है। इन 10 लोगों में अगर मुझे हाईलाइट करना है कि 2 लड़के थे और 2 लड़कियाँ थी, तो मैं क्या बोलूँगा कि 10 पीपल, एक कॉमा लगाइए, इंक्लूडिंग लगा दीजिए, फिर लगा दीजिए कि 2 बॉयज, इंक्लूडिंग 2 बॉयज, एक मिनट, बॉयज एंड 2 गर्ल्स, फिर लगा दीजिए हैव बीन किडनैप्ड, एक कॉमा यहाँ भी लगा देते हैं गर्ल्स के पास, ठीक है। अभी भी 10 लोग ही किडनैप हुए हैं, सिर्फ हमने हाईलाइट करने के लिए इंक्लूडिंग का सहारा लिया, तो एक कॉमा लगाया, उसके बाद इंक्लूडिंग से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट हमारा 10 पीपल है और हमने पैसिव का इस्तेमाल किया, हैव बीन किडनैप्ड, समझ गया। आगे देखते हैं, चल यहाँ पर लिखा है कि सुधांशु बैंकटा, अजीब नाम है बैंकटा, फिर कॉमा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बत्रा हॉस्पिटल सेड The patient died due to oxygen shortage and the hospital not receiving oxygen on time. इसको देखते हैं, यहाँ लिखा है कि सुधांशु बैंकटा, तो ये उनका नाम है, फिर यहाँ पर एक कॉमा लगा है, कॉमा के बाद लिखा है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बत्रा हॉस्पिटल, तो कॉमा के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सुधांशु जी के बारे में ही इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हम एपोजिशन कहते हैं, किसी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देना। तो सुधांशु बैंकटा जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बत्रा हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा, क्या कहा, कि द पेशेंट्स डाइड, पेशेंट्स मारे गए ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज, ऑक्सीजन की कमी के कारण वो मर गए, एंड द हॉस्पिटल नॉट रिसीविंग ऑक्सीजन ऑन टाइम, और जो हॉस्पिटल है उसको समय पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है। ऐसा किसने कहा? सुधांशु बैंकटा ने कहा। कौन है वो? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कहाँ के हैं? ऑफ बत्रा हॉस्पिटल।
क्या ले रहे हैं? इसको भी मैं समझा दूँ एक्सक्यूज मी, जो बिगनर्स हैं उनके लिए। एपोजिशन आप शायद कभी पढ़ो, एपोजिशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं लिखता हूँ कि चंदन सिंह इज प्लेइंग, यानी कि चंदन सिंह खेल रहा है। कौन है चंदन सिंह? पता नहीं। फिर मैं लिखूँ कि चंदन सिंह, एक कॉमा लगा दूँ, एन इंग्लिश ट्रेनर, एक कॉमा लगा दूँ, इज प्लेइंग, अभी भी खेलने वाला चंदन सिंह ही है। लेकिन चंदन सिंह के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो कौन है, वो एक इंग्लिश ट्रेनर है। तो इस कॉमा तक जो आप देख रहे हैं, ये एपोजिशन है गाइस। तो ये भी ज़रूरत पड़ती रहती है इसकी, आप सीखते रहिए। आगे देखते हैं, वी रैन आउट ऑफ LMO, यानी कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, इसको LMO कहते हैं, एट 12:15 PM एंड वी रिसीव्ड LMO सप्लाई एट 1:35 PM इन बिटवीन वी हैड सम ऑक्सीजन सिलेंडर्स बट दे कैन नॉट सपोर्ट वेंटिलेटर्स। अब उन्होंने क्या कहा कि वी रैन आउट, यानी कि हमारा खत्म हो गया, LMO खत्म हो गया। LMO क्या है? लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन खत्म हो गया। कितने बजे खत्म हुआ? एट 12:15 PM 12:15 पे खत्म हो गया। एंड वी रिसीव्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, हमने रिसीव किया LMO को, LMO सप्लाई को, एट 1:35 PM 1:35 पे हमने उसको रिसीव किया। इन बिटवीन, इसके बीच में 12:15 से 1:35 का जो टाइम था, इस बीच में क्या हो गया? इन बिटवीन वी हैड सम ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हमारे पास कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, बट दे कैन नॉट सपोर्ट वेंटिलेटर्स, वो वेंटिलेटर्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। जो पेशेंट वेंटिलेशन पर है, वेंटिलेटर पर है, उनको वो ऑक्सीजन सिलेंडर सपोर्ट नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, 8 people died 8 लोग मर गए, इधर या तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए, और नॉट रिसीविंग ऑक्सीजन ऑन टाइम, या तो ऑक्सीजन समय पर न मिलने के कारण मर गए, डॉक्टर बैंकेटा सेड, ऐसा डॉक्टर सुधांशु बैंकेटा ने कहा। 6 of the 8, जो 8 मर गए, उनमें से जो 6 थे पेशेंट्स, वर एडमिटेड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, उन्हें ICU में एडमिट किया गया था, ही सेड, ऐसा सुधांशु बैंकेटा ने कहा। 4 more persons died 4 और लोग मारे गए लेटर, बाद में, फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस, वो कॉम्प्लिकेशन से मर गए ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण, टेकिंग द डेथ टॉल टू 12। और वो जो 4 मर गए, पहले 8 मरे फिर 4 मरे, तो इन्होंने मरने की संख्या को 12 तक पहुंचा दिया। देख रहे, टेकिंग यानी कि पहुंचाते हुए, टेकिंग द डेथ टॉल टू 12, मरने वालों की संख्या को 12 तक पहुंचाते हुए, जो 4 लोग मरे उन्होंने पहुंचा दिया। लिखने का तरीका है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। फिर है कि ही सेड, उन्होंने कहा दैट लैक ऑफ ऑक्सीजन कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस, जो ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है, कुड का मतलब चांस है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, चांस है कि लीड टू कॉम्प्लिकेशंस, वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है फॉर द पेशेंट्स इन फ्यूचर टू, भविष्य में भी पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। मैं आपको एक कुड और लीड आपको सिखाता हूँ गाइस, अगर आप बिगनर हैं तो ठीक रहेगा। अगर मैं कुड की बात करता हूँ, COULD, कुड के बहुत इस्तेमाल है, कैन का पास्ट कुड, ये वो बहुत सारा इस्तेमाल है, फिर भी एक इस्तेमाल होता है कि आप प्रेजेंट में खड़े हैं और आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये बिजनेस तुझे हार्म पहुंचा सकता है, दिस बिजनेस, यहाँ पर आपने लगाया कुड हार्म यू, तो पहुंचा सकता है, हम हिंदी में सोचते हैं सकता है, तो सकता सोच के हमें कैन नहीं लगाना है, कैन का मतलब अंग्रेजों के हिसाब से सकता नहीं, उनके हिसाब से कि चांसेस ज़्यादा हैं, कुड में चांसेस कम है, तो बिजनेस तुझे हार्म कर सकता है मतलब चांसेस कम है। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि दैट गर्ल कुड, COULD, कुड गेट यू बीटन, यानी कि वो लड़की तुझे पिटवा सकती है, मतलब हो सकता है पिटवा दे, चांस है, हम प्रेजेंट में खड़े हैं और बात करें कि पिटवा सकती है, हो सकता है 2 मिनट बाद पिटवा दे, आधे घंटे बाद पिटवा दे, या कल परसों पिटवा दे। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दैट गर्ल कैन गेट यू बीटन, तो कैन का मतलब यहाँ पर अंग्रेजों के हिसाब से देखें तो सकता नहीं है, कैन का मतलब है कि चांस ज़्यादा है, यानी कि उस लड़की ने और भी लड़कों को इस तरीके से पिटवाया है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, एक जनरल ट्रुथ सा हो गया है, भैया वो तुझे पिटवा सकती है। कुड का मतलब है कि मुझे नहीं पता कि उस लड़की ने किसी को पहले पिटवाया है कि नहीं, बट क्या पता भाई पिटवा दे, तो कुड चांस कम को दिखाता है, कैन चांस ज़्यादा को दिखाता है। अब आता है लीड टू, वो देख लेते फटाफट, लीड टू दो तरीके से है, एक तो होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, जैसे मैं बोलता हूँ कि दिस
जैसे बोलूँ कि योर योर एब्यूजिंग दैट पर्सन, तुम्हारा उस आदमी को गाली देना कैन लीड टू अ बिग फाइट. इसका मतलब क्या है कि तुम जैसे उस लड़के को गाली दे रहे हो, तो योर अब्यूजिंग तुम्हारा गाली देना दैट पर्सन उस लड़के को कैन, चांस ज़्यादा है कि लीड टू अ बिग फाइट, एक बड़े फाइट को क्रिएट कर सकता है, कॉज कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है. तो ये लीड हो गया. इसको ऐसे भी कई बार कहते हैं कि योर ईटिंग फास्ट फूड, तुम्हारा जो फास्ट फूड खाना है कुड लीड यू टू हॉस्पिटल, यानी कि तुम्हारा फास्ट फूड खाना तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकता है. लीड का मतलब ऐसे ले जाना, ले जा सकता है. कुड मतलब चांसेस हैं, थोड़े कम है, बट हो सकता है ले जाए. ठीक है जी, आगे देखते हैं. चलिए, वंस द पेशेंट डी इस्टेब्लिशेज, यानी कि वो इस्टेब्लिश से डी हो जाता है, यानी कि अस्थिर अगर हो जाए पेशेंट, डेथ कैन हैपन लेटर ऑल्सो, तो बाद में भी डेथ हो सकती है, ही एडेड, ऐसा उन्होंने कहा. डॉक्टर बैंकेटा मेड अ डेस्परेट अपील, बहुत ही हताश होकर उन्होंने एक अपील किया एट 12:15 PM, 12:15 पर उन्होंने अपील किया दैट द ऑक्सीजन सिचुएशन वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, कि भाई ऑक्सीजन सिचुएशन बहुत क्रिटिकल था, ऐसा उन्होंने अपील किया. एंड दैट द हॉस्पिटल वॉज नॉट बींग, और हॉस्पिटल नॉट बींग, देख लेते हैं, हॉस्पिटल वॉज नॉट बींग एबल टू सपोर्ट वेंटिलेटेड पेशेंट. तो उन्होंने 12:15 पे कहा कि भाई क्रिटिकल है, मामला खराब है, और हॉस्पिटल काबिल नहीं है कि वेंटिलेटेड पेशेंट को ऑक्सीजन दे पाए. द डॉक्टर हु डाइड वॉज आइडेंटिफाइड एज आर के हिमथानी, तो जो डॉक्टर मर गए वो कौन थे, आर के हिमथानी थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी एट द सेम हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल में गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के वो हेड थे, वो भी मर गए. आगे देखते हैं. वी रेड ऑन ट्विटर, हमने ट्विटर पर पढ़ा दैट देर इज एन ऑक्सीजन शॉर्टेज, ऑक्सीजन की कमी है. एंड वी फोन द हॉस्पिटल इन द मॉर्निंग, हमने सुबह सुबह हॉस्पिटल को फोन किया. दे सेड, उन्होंने कहा, हिज कंडीशन इज नॉट दैट गुड, इनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है. एंड आस्क्ड अस टू कम, और हमें आने को कहा. वी हैड टू ऑक्सीजन सिलेंडर्स एट होम, हमारे पास दो ऑक्सीजन सिलेंडर्स घर पर थे. एंड वी टुक देम टू द हॉस्पिटल, हम उसे हॉस्पिटल ले गए. सेड आशा, ऐसा आशा ने कहा. आशा कौन है, हुज हस्बैंड संजय सेठ 57 डाइड इन द आफ्टरनून, यानी कि उनके पति जिनका नाम संजय सेठ है वो 57 वर्ष के थे, वो मर गए इस आफ्टरनून. मतलब उन्होंने ये बात कही कि हमने ट्विटर पर पढ़ा कि मतलब कि ऑक्सीजन की कमी है, ट्विटर पर वो पढ़ा. हॉस्पिटल को फ़ोन भी किया लेकिन हॉस्पिटल ने कहा कि कंडीशन ख़राब है, फटाफट आइए. हम पहुँचे सिलेंडर लेकर, उनके पास पहले से सिलेंडर थे लेकिन मामला ख़त्म हो चुका था. इफ़ दे हैड वार्न्ड अस, अगर वो हमें पहले ही सचेत कर देते, वी वुड हैव रीच्ड 10 मिनट्स बिफोर, हम 10 मिनट पहले पहुँच जाते. अनदर फैमिली मेम्बर सेड, दूसरे फैमिली मेम्बर ने कहा. यहाँ पर जो आप इफ़ वाला देख रहे हैं इसको बोलते हैं कंडीशनल थॉट. तो आपको, मुझे लगता है अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कंडीशनल वगैरह सब न्यूज़पेपर में होता ही, आप बस रोज़ पढ़िएगा इस कंडीशनल थॉट. जैसे कि अगर कंडीशनल थॉट क्या दिखाता है, पास्ट में अगर कुछ हुआ उसके बारे में हम प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं. हम प्रेजेंट में कहते हैं कि यार अगर उसने मुझे पैसे कल दे दिए होते, इफ़ ही हैड, पास्ट की बात है, इफ़ ही हैड गिवन मी मनी यस्टरडे, अगर उसने कल मुझे पैसे दे दिए होते तो मैंने वो कार खरीद ली होती. आई वुड हैव परचेज्ड दैट कार, मैं वो कार खरीद चुका होता. ये है इफ ही हैड, तो यहाँ हैड का इस्तेमाल है वर्ब का थर्ड होता है इफ कंडीशन में, और जो रिजल्ट है उसमें वुड हैव होता है वर्ब थर्ड फॉर्म होता है. समझ में आ रहा है? चलो, तो ऐसे लिखा है कि इफ दे हैड वार्न्ड अस, अगर उन्होंने मुझे वार्न कर दिया होता, हैड है थर्ड फॉर्म में, वी वुड हैव रीच्ड, हम पहुंच चुके होते. आगे देखते हैं. व्हाट इज द यूज इन टॉकिंग अबाउट इट, क्या फायदा है इसके बारे में बात करके. डिड द सिचुएशन इंप्रूव इन द पास्ट 2 वीक्स, क्या पिछले 2 हफ्तों में सिचुएशन इंप्रूव हुआ है. आस्क्ड अमित, अमित ने पूछा, हुज रिलेटिव प्रकाश दत्त 62 ऑल्सो डाइड, अमित नाम का जो व्यक्ति है उनका कोई रिलेटिव है प्रकाश दत्त जो कि 62 साल के थे, वो भी मर गए. उन्होंने कहा क्या फ़ायदा इसके बारे में बात करके, इम्प्रूव तो कुछ हुआ नहीं है. द इंसिडेंट कम्स लेस देन अ फॉर्टनाइट,
फॉर्टनाइट का मतलब था 2 सप्ताह, 2 सप्ताह से कम समय में ये इंसिडेंट हुआ आफ्टर 20 कोविड-19 पेशेंट डाइड, जब 20 कोविड-19 पेशेंट मर गए थे उसके बाद अगर देखा जाए तो 2 सप्ताह भी नहीं हुआ एक और घटना घट गई विदाउट ऑक्सीजन एट जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में बिना ऑक्सीजन के 20 लोग मर गए थे एंड 25 एट सर गंगाराम हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में 25 लोग मर गए थे इन द नेशनल कैपिटल जो कि दिल्ली में है। आगे देखते हैं। ऑन सैटरडे शनिवार को सेवरल हॉस्पिटल्स अक्रॉस द सिटी, पूरे सिटी में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं यानी काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स, पुट आउट SOS मैसेजेस, उन्होंने बिल्कुल जो इमरजेंसी वाले मैसेजेस होते हैं वो मैसेज कर दिए ओवर एक्यूट ऑक्सीजन शॉर्टेज, की बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, मैसेजेस कर दिए। किन ऑफ पेशेंट्स, किन मतलब होता है जो रिश्तेदार है, पेशेंट के जो किन एंड किथ है जो रिश्तेदार है, कुड बी सीन, उन्हें देखा जा सकता था रशिंग ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू सम ऑफ द स्मॉलर हॉस्पिटल, छोटे छोटे कुछ हॉस्पिटल थे उसमें वो रशिंग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भाग रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर। आम आदमी पार्टी लीडर, आगे देखते हैं, यहां पर है, आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा क्लेम्ड, उन्होंने ऐसा दावा किया ऑन ट्विटर, ट्विटर पर, दैट ऑक्सीजन हैड रीच्ड सर गंगाराम हॉस्पिटल इन द इवनिंग, शाम को गंगाराम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंच गया था। लेट अस प्रे, हमें प्रार्थना करने दिया जाए दैट ऑक्सीजन सप्लाईज टू दिल्ली इम्प्रूव, कि जो दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई है वो सुधर जाए, एंड वट इज कमिटेड बाई सेंटर इज एक्चुअली डिलीवर्ड इन टाइम, और जो भी सेंटर ने कमिट किया वो समय पर डिलीवर हो जाए। देखिए वट इज कमिटेड बाई सेंटर इज, आपको पता है नाउन क्लॉज, यही है नाउन क्लॉज, वट इज, देख रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ, आप बिगनर है तो देखिए आपको क्लॉज कहीं ना कहीं परेशान करेगा। नाउन क्लॉज होता क्या, अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस बोलता हूं कि जैसे मैं कहता हूं कि आई नो इट, मैं इसको जानता हूं, आई नो इट, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, नो हमारा वर्ब हो गया, और इट हमारा हो गया कि कोई चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आई नो इट, या मैं इसको जानता हूं, मैं इसको ऐसे बोलूं कि आई नो What you said. अब देखिए मैंने it नहीं बोला, मैंने कहा कि I know, मैं subject हो गया, no verb हो गया, मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, मुझे कोई ना कोई object चाहिए, यहाँ पर it हमारा object था, यहाँ पर है what you said, या what का मतलब क्या नहीं है, what का मतलब है जो, जो तुमने कहा, तो what यहाँ पर एक conjunction है, you हमारा subject है और एक verb है, तो clause के अंदर अपना एक subject होगा, एक verb होगा और एक conjunction से जुड़ा होगा, तो समझ रहे हैं, what you said यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो नाउन होगा तो नाउन अकेला वर्ड होगा तो नाउन होगा, नाउन फ्रेज भी हो सकता है और नाउन क्लॉज भी हो सकता है, तो ये नाउन क्लॉज है। जैसे अगर मैं कहूँ कि व्हाट शी इज डूइंग इज वेरी डेंजरस, डेंजरस, अब इज है, इज हमारा वर्ब है, तो इज से पहले जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने अधिकतर क्या देखा है कि दिस इज वेरी डेंजरस, दैट इज वेरी डेंजरस, यहाँ दिस नहीं है, दैट नहीं, यहाँ पर लिखा है कि व्हाट शी इज डूइंग, तो यहाँ पर व्हाट एक कंजंक्शन है, व्हाट का मतलब है जो, शी हमारा सब्जेक्ट है, इज डूइंग वर्ब है, तो एक क्लॉज के अंदर एक कंजंक्शन होगा, एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, व्हाट शी इज डूइंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है और इसके अंदर एक शी नाम का सब्जेक्ट है, तो इस इज को हम वर्ब मान रहे हैं तो ये इसका सब्जेक्ट है, व्हाट शी इज डूइंग यानी कि जो वो कर रही है इज वेरी डेंजरस, वो बहुत डेंजरस, ये होता है नाउन क्लॉज का, भी वीडियो देख लीजिएगा, चलिए आगे देखते हैं। तो व्हाट इज कमिटेड, जो कमिटेड किया गया है बाय सेंटर, सेंटर के द्वारा, इज एक्चुअली डिलीवर्ड इन टाइम, टू सही समय पर डिलीवर हो जाए, तो इस इज को अगर मैं देखूँ तो ये वर्ब है, इस वर्ब से पहले जो है ये व्हाट से लेकर सेंटर तक ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि नाउन क्लॉज है। आगे देखते हैं। मिस्टर चड्ढा सेड इन अ ट्वीट, मिस्टर चड्ढा ने ट्वीट में कहा, ही ऑल्सो क्लेम्ड, उन्होंने ये भी दावा किया दैट एन ऑक्सीजन टैंकर हैड बीन सेंट टू राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, की ऑक्सीजन का जो टैंकर उसको भेजा गया, हैड बीन सेंट, भेजा गया था राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आगे देखते हैं। लास्ट ईयर आर क्राइओजेनिक टैंकर, ये वर्ड तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, ऑक्सीजन होना चाहिए ना, ये ऑक्सीजन टैंकर नहीं है, आवर क्रायोजेनिक टैंकर
कैरिंग 2 मेट्रिक टन ऑफ एलएमओ फॉर जीटीबी। गाइज ये वर्ड मुझे भी नहीं पता है, क्रायोगेनिक, मैंने अच्छा क्योंकि मैं पहले से कोई ऐसे पढ़ता नहीं, ऑन द स्पॉट में पढ़ता हूँ, तो शायद अभी कई ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो मुझे भी नहीं पता होंगे। ये पता नहीं क्या है क्रायोगेनिक, मुझे लगा है ऑक्सीजन टैंकर होना चाहिए। यहाँ पर क्या था, यहाँ तो ऑक्सीजन टैंकर है, ये कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है? आप देख लीजिएगा, जो भी है, तो जो टैंकर है कैरिंग 2 मेट्रिक टन ऑफ एलोमो, उसके अंदर एलोमो जो लिक्विड करके कुछ था ना, वो 2 मेट्रिक टन है, तो ये जा रहा था फॉर जीटीबी, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के लिए। इज अबाउट टू रीच द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस, वो पहुंचने ही वाला है। वी विल स्पेयर नो एफर्ट, हम नहीं मतलब कोई भी एफर्ट, हम कोई भी प्रयास को नहीं छोड़ेंगे टू सिक्योर लाइफ्स ऑफ डेल्हाइट्स, यानी कि दिल्ली वालों की लाइफ को बचाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हम नहीं करेंगे, सब करेंगे हम। डिस्पाइट डिप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द एनसीटी ऑफ दिल्ली, ही सेड। देखिए डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डिप्रीवेशन, डिप्राइव से डिप्रीवेशन बना है, डिप्रीवेशन का मतलब है कि जो कमी है, जो नहीं है वो, तो ऑक्सीजन टू एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के जो एनसीटी नेशनल कैपिटल कुछ ऐसे है, तो इसमें जो ऑक्सीजन की जो डिप्रीवेशन है उसके बावजूद हम हर वो काम करेंगे कि हम डेलाइट की मदद कर पाए, लाइफ को बचा सके, ऐसा उन्होंने कहा। इसमें मैं एक आपको डिस्पाइट सिखा देता हूँ और एक अबाउट टू सिखा देता हूँ, बस खत्म है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, अगर मैं कहता हूँ कि डिस्पाइट और यहाँ लगा दो बींग, डिस्पाइट बींग इल, यानी कि बीमार होने के बावजूद, आई वेंट टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस गया, बीमार होने के बावजूद गया, यानी कि बीमार था फिर भी गया, तो ये डिस्पाइट होता है। ओके, डिस्पाइट में ऑफ नहीं लगता, जैसे कि डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा होने के बावजूद, ही डजंट बाय गुड क्लोथ्स, वो अच्छे कपड़े नहीं खरीदता, तो डिस्पाइट है आपका। एक जो होता है अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब होता है क्या, जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ, या शी इज टू कम, वो आने वाली, तो ये तो सबको पता है। इसी के अंदर अगर मैं एक्सक्यूज मी अबाउट लगा दूँ कि शी इज, या बस अबाउट लगा दूँ, अबाउट टू कम, तो शी इज टू कम मतलब वो आने वाली है, ये प्रोग्राम तय है, और शी इज अबाउट टू कम मतलब कि बस यूँ समझो बस आ ही गई, बस बहुत ही जल्द आने वाली, अबाउट का मतलब थोड़ा जल्दी दिखाता है, तो शी इज अबाउट टू कम है ना, फटाफट आने वाली, बस यही। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, और ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदर, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एट, हैव फन, थैंक यू गाइस।